यात्रा में शामिल होते ही फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को लगा लिया गला, फिर जो हुआ उड़ गए सभी के होश। जी हां, आपको बता चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 3 जनवरी को शामिल हुए। इसका वीडियो कांग्रेस ने ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला को गले लगाते हुए नजर आ रहे। इस यात्रा में मंगलवार को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RWA के पूर्व प्रमुख ES लद भी यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, यही प्यार और आशीर्वाद के लिए अपने लक्ष्य तक जाएंगे, देश को जोड़ने निकले हैं, देश जोड़ कर दिखाएंगे, # भारत जोड़ो यात्रा। यहाँ आपको बता चले कि लगातार फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि यात्रा में शामिल होते ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी को गले लगा लेते हैं, जिस पर यूजर्स भी तरह तरह के प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बताने चले कि आज यात्रा सुबह करीब 10 बजे से दिल्ली के कश्मीरी गेट से निकट यमुना बाजार से रवाना हुई थी और दोपहर को उत्तर प्रदेश के लोनी गाजियाबाद पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से आरंभ हुई थी और 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची थी। 9 दिनों के विराम के बाद आज यह यात्रा फिर से आरंभ हुई और उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा रवाना होगी। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट। Yeah!